मेरी छोटी सिस्टर ब्राइड जो कि दुल्हन बनने वाली है, और आज हम लोग ये लास्ट टाइम आए हैं यहाँ गोपालगंज गेस्ट हाउस में। और देखिए थोड़ी सी शर्मा रही है, थोड़ी नर्वस भी है, क्योंकि बस 15 डेज बचे हैं शादी के। और हम लोग आ गए हैं आज मेरी भाभी दीदी, बस हम लोग और ये शादी के सप्ताह 10 दिन पहले का है, जबकि कार्ड लिखा जा रहा था सब रिलेटिव को भेजने के लिए, और चाचा जी खुद ही बैठ के कार्ड पे सबका नाम लिख रहे थे। और ये इनविटेशन कार्ड है जो सभी रिलेटिव के हैं और हमारे जानने वाले के जाएगा। तो ये तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, चाचा जी सारे कार्ड पे सबका एड्रेस और नाम लिख रहे हैं, और इसके साथ ही अब घर का भी पेंटिंग वगैरह का काम शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ पेंटर आ गए हैं, और अभी बाहर से पेंटिंग हो रहा है, इसके बाद अंदर से होगा। और ये मेरे घर के बाहर का दृश्य है, तो देखिए गाँव का कितना अच्छा लगता है शादी ब्याह के टाइम में, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब सब रिलेटिव आते हैं, सब कोई रहते हैं, और ये खुला खुला सा भाग गांव का तो अलग ही मज़ा होता है। अभी चूँकि गर्मियों का सीज़न है तो गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, लेकिन हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी हरियाली छाई हुई है। और देखिए मैंगो इस बार बहुत ज़्यादा आया है, तो मैं आपको अभी मैंगो ट्री भी दिखाऊँगी जो मेरे घर के ठीक पीछे में है। तो ये मेरे घर का एरिया है, बाहर का एरिया, और यहाँ देखिए मैंगो ट्री लगे हुए हैं। तो इसमें कितने सारे इस बार आम आए हैं, तो गर्मी छुट्टी में अगर शादी होती है और उस टाइम में गांव आने का मौका मिले तो ये काफ़ी अपने आप में खुश नसीबी बन जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये मैंगो ट्री देख करके, पहली बार यहाँ आए हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए कितना ज़्यादा इस बार आम आया है, तो हम लोग बस शादी इंजॉय करने के लिए पहुंच गए हैं यहाँ। तो शादी में हमारे यहाँ हर रिलेटिव के यहाँ से आता है, खाना आता है जिसमें लड़के के लिए गिफ्ट भी होता है, तो सभी के यहाँ से एक एक ट्रॉली बैग आ रहा है जिसमें 5 से 7 साड़ी और सारा कुछ रहता है, और साथ ही खाने का अलग से आता है। जब तो जितने भी घर के लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारा आता है, पूड़ी खीर सब्जी लिट्टी वगैरह। तो अभी बड़ी फूआ के घर से आया है, और ऐसे करके सारे रिलेटिव एक एक करके भेजेंगे शादी के पहले। तो ये हमारे यहाँ रस्म होता है जिसे मेहमानी बोलते हैं, मेहमानी खिलाना, और गांव के भी लोग घर बुला के खिलाते हैं। तो अभी आज शाम में फिर जाना है खाने के लिए, तो बाहर का ही खाना चल रहा है, बस चल रही है शादी का। भाई साड़ी बटे भाई की साड़ी बना दें, अच्छा बटे ना तो और यहाँ देखिए हमारे आंगन में जो भी चाची हैं भाभी लोग हैं, तो सबका इंतज़ार कर रहे हैं, जो जो साड़ी आई हैं, जो भी कपड़े आए हैं बाहर से वो मेहमानी देखने के लिए। तो देखिए सबको एक ऐसे इकट्ठे होके ये मेहमानी देख रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। तो ये देखिए सारे जगह का ट्रॉली एक एक करके दीदी सबको खोल के दिखा रही है। तो हर रिलेटिव क्या आ रहा है, ये फुआ क्या से आया है, और इसके साथ ही खाना भी आता है। लिट्टी बा, पुआ बा, की बा, लिट्टी पुआ, ये देखिए कार्टून भर के आया है। नहीं है रिकॉर्डिंग पे ध्यान मेरा, मैं बोलती हूं मेरी माँ, मैं देखो देखो क्या हम लोग खेल रहे थे लुका छुपी, तो उसमें ना इसकी बारी थी आराध्या की, ठीक है ना, आराध्या ने मेरे को देखा था, हमने स्पाइस स्पाइस बोल दिया था, वो गई बाबू को देखने। हाँ, हम ना ऐसे खेलते, देखो हम लोग क्या करते हैं, जब आई स्पाइस धप्पा अगर वो डायमंड तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेहमानी में, और शादी के थोड़े दिनों पहले मेहमानी में जाते हैं, और
यहाँ पर लोग घर जाके दूसरों के घर जाके खाना खाते हैं, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक हमारे घर में खाना नहीं बनता। और ये रही मौसी। कुछ खोले नहीं की सवेरे से इतना पहले कौन खा ले बगना बुआ जी के खाए ले चाय नहीं खाए मैं समझ नहीं खाए हमारे दीदी ई YouTube उनका सी क्या तरीका नहीं हर पापा पापा देखो देखो ऐसा बेडशीट है मैंने खाली चादर रही सर खाली चादर सिंगल डबल सब बा और यहाँ देखिए ये तैयारियाँ हो गई हैं। तो हमारे यहाँ लड़की के साथ दिया जाता है बॉक्स वगैरह, तो इसमें बॉक्स में इस बड़े वाले में केवल बेडशीट है और इसकी चिक्की सुम्मी के दो दो भाभियाँ हैं, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए तैयारियाँ कर रखी हैं। तो ये देखिए पूरा ये बॉक्स भरा है, पूरा बेडशीट ही है, तो सुम्मी को करीब साल दो साल तक बेडशीट खरीदना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा जो बॉक्सेस होती हैं हमारे यहाँ लड़कियों को दिया जाता है, साड़ी का अलग बॉक्स होता है, फिर उसके सूट का। और यहाँ देखिए ये हाथ से बनाया हुआ बेडशीट है जो भाभी ने खुद बनाया है, और ये सारे खिलौने जाते हैं, और मेकअप का अलग बॉक्स होगा, और लड़की के कपड़े का, और उसके अलावा घर वाले लोगों के कपड़े का। तो ये सारा कुछ अभी बैठ के भाभी दिखा रही हैं आंगन में जो भी लोग आए हुए हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा एंजॉयमेंट हो जाता है सबके लिए। देखना टुकू डुगू आओ इधर अच्छा के देखे करो ना देखो देखो बाबू को देखो मामी के बोला के ले मामी देखिए बनवा ले बटो सब बनवा ले ले भैया यहाँ शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई है। और ये देखिए मिठाई बन रहा है तिलक के लिए, वो क्या बना था? अच्छा अब नमकीन मिठाइयाँ बन गई है, अब नमकीन बन रहा है। ये देखिए अच्छा खजली बन रहा किधर उधर रोड पर नहीं जा रहा है तो खाना है ना रे कहाँ से खाना है आज में दिक्कत मांगा था और अब चूंकि फुआ वगैरह भी आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, तो ये भाई लोग जो बाहर से लेटने के लिए सोने के लिए चौकी होता है आंगन में, तो वो आंगन में लगाया जा रहा है और इस ढंग से तैयारियां चल रही हैं। तो ये शादी में सबसे पहले महादेव पूजा जाता है, तो ये आज महादेव पूजा हो रहा है। चल गिरा चल गिरा
ओम सुदेवालो सर्व सुदेवालो मणिवारस्य अश्विनं श्वेत श्वेताक्षयो अरुणपते कृणायां भोलेपदा नभो रूपं भजनं वासुतो दनसनानं भवव्यामिं भ्रुवो चुङ्गिणि सुम्भिकाभ्यां गौरजैन्दां हारिदोरिदारी तरंगधारी शैल प्रचारी महाराजधारी धमधम पराधी सवतम शुभकारी शादी की स्टार्टिंग हो गई है। हमारे यहाँ तिलक होता है, तो तिलक कल है, सुबह सुबह जाना है जो लड़के के यहाँ से जाता है लड़के वाले को। तो ये देखिए तिलक में गीत गाने के लिए जो लोकगीत होता है वह सब कोई आ गए हैं आसपास के, और तिलक के सामान रखे हुए हैं। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, मेरे पीछे गाना चल रहा है और कल सुबह का है तिलक का, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। क्या बनो के मम्मी ये सब क्या है? ये सब समय वहाँ से लेके जाएगी। तो तिलक जाना है, तिलक के लिए लड़के के लिए ये चांदी का प्लेट जाता है, उसमें चांदी का ये पान पत्ता वगैरह रहता है, और ये लड़के के लिए चेन जा रहा है। इसके अलावा इस ट्रक में इसके फर्नीचर और जितना कुछ होता है सामान लड़की को दिया जाता है। तो फर्नीचर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान उस ट्रक से जाएगा, तो सुबह सुबह निकलना है इसलिए अभी सारा कुछ लोड हो गया है। सब गिफ्ट आइटम जो लड़के के पास जाएगा। और ये सुबह हो गई है और आज तिलक जाना है, तो तिलक में केवल लड़के जाते हैं। तो लड़की वाले के जो होते हैं रिलेटिव जो भी होते हैं, पापा चाचा और भाई लोग होते हैं, और जो भी गांव के आसपास के लोग होते हैं वही लोग जाते हैं। तो अभी देखिए चाचा जी लोग खड़े हैं और अब बस निकल रहे हैं, और सारा सामान सब कुछ जा चुका है, ट्रक से जा चुका है लड़के के घर, और अभी ये लोग जा रहे हैं। तो बस इस ढंग से हमारे यहाँ तिलक होता है, और तिलक के बाद आगे भी बहुत सारी रस्में होती हैं, ऐसे देखते रहिए। शगुन चुमा जा रहा है, शगुन में औरतें पांच औरतें वो धान को भूनती है, उसके बाद उसका चूड़ा बनाया जाता है, यही लड़के वाले के पास जाता है। तो ये शगुन चुमना का आवाज भी हो रहा है और मैं भी बना रही हूँ। वो देखो आ रही है, टेंट बन गया है। हाँ?
हाँ जो कपड़ा था वो भी लग गया क्या जो कपड़ा था वो भी लग गया देखो ना मालो बेटी बात हमारी दुनिया करी पी माने माने जे लोगों ने मान लिया पहले बाबूनी बजाती है कोला पसे आती पुआ बिछिया बजाती है बिछिया बजा के पुआ बनिए दाई सुनी सारा लड़का से छुआइल बाड़ी और तिलक चढ़ाने के बाद आज मेरे भाई का बर्थडे भी है तो अब बर्थडे सेलिब्रेट कर ले रहे हैं घर में ही सब कोई ये मेहंदी का फंक्शन है और मेहंदी के लिए तैयार हो गई है दुल्हन देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और इनके मेहंदी भी तैयार है अभी हम लोग चलते हैं मेहंदी पार्टी करने और यहाँ सब कोई तैयार है ये भाभी भी थोड़ा ज़्यादा ही सज गई हैं ये देखिए बड़ी भाभी मुस्कुरा रही हैं और ये मेरी बहन है चाची जी अभी तैयारी हो रही हैं फूआ भी हंसी रही हैं मजे ले रही हैं केवल ओई घर में निशा बड़ी मां ओई जगह बेटे का माइक ऐसे लगते रहे ऐसे लीजिए चल अब चलते हैं हम लोग मेहंदी के लिए तो मेहंदी का भी डांस भी हो गया और पास में ये तैयार हो गए हैं तो अभी हम तीनों बहनें डांस करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आप सोचोगे कि हम दो ही हैं हम लोग आपको किसी बैठे मिलवाते हैं शर्मा गिरी जी
करो डांस शिवजी माई बाप रे बिगड़ल के ये आज बहुत तेज आंधी बारिश आ गई है और कल शादी है लेकिन हमारा मंडप गिर गया है। अब इसका रिपेयर होगा। हमारे पेट से इतने सारे आम भी गिरे हैं। मम्मी वो वाला बांस कट गया इधर से। इतने सारे मैंगो गिरे हैं। मम्मी सुनो कहाँ मैंगो कर ले ये देखो मुझे कुछ कुछ और आज पहला आम ये पक गया है। इन्हीं का लगाया हुआ ये पेड़ है और ये पहला आम है। देखिए ये कैसे काट है कितने इस सीजन का पहल का है बता दो। अच्छा इस सीजन का पहल का है पका हुआ है। पका हुआ है अब इसे सभी को डिवाइड किया जाएगा बांटा जाएगा सभी को नहीं बांटा जाएगा। वीडियो बनाकर हमरा केना देबो ए हो यो पकलवा क्या कुए न पका कटन च हां ऊपर से सर पता आई हां के लिए जा रहे हैं मिट्टी कोड़ना इसके बोलते हैं तो मटकोर एक विध होता है तो उसके लिए अभी रात में जा रहे हैं और कल शादी है। और जो मिट्टी कोड़ने का विधि था वो पूरा हो गया। हम लोग घर वापस आ गए और अब हल्दी चढ़ाया जा रहा है। तो ये हल्दी फिर पहले पूजा होती है जो पंडित जी करा रहे हैं और सब कोई आए हुए हैं आसपास के आंगन में देख सकते हैं मेरे पीछे। और अभी अब हल्दी चढ़ाने का विधि होगा। मटकोर के बाद हमारे यहाँ हल्दी होती है और ये शादी के एक दिन पहले का टाइम होता है। तो शायद कल शादी है और आज ये सारा विधि हो रहा है। चलते हैं।
ओम पवित्रे स्तोम विश्वभ्यो सवितुर्वह प्रसव उत्पुनाभ्यो शुक्रेण पवित्रेण शुद्धस्य रश्मभिः दस्यते पवित्रपते पवित्रभूतस्य आज ये सत्यनारायण भगवान का पूजा भी होता है, कथा पूजा इसको बोलते हैं, तो ये भी हो गया है। और कल अब शादी है और शादी के साथ हमारे यहाँ दिन में एक बिनौकी का विध होता है, तो वो भी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा पाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कल का इंतजार कीजिए। और कल शादी का पूरा वीडियो रहेगा, शादी के साथ बिनौकी और विदाई का भी। तो कल मेरा ये शादी वाला एपिसोड ख़त्म हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।